नमस्कार दर्शकों, मैं आर्यश अग्निहोत्री आप सबका स्वागत करता हूं। दर्शकों, आज हम बात करेंगे मेष राशि वालों के बारे में। मेष राशि वालों का कहना है कि ना ही हमारी कोई शनि की साढ़े साती चल रही है, ना ही ढैया चल रही है, फिर भी हमें अच्छे फल देखने को क्यों नहीं मिल रहे, क्या कारण है? जबकि हमारी गोचर कुंडली में शनि लाभ भाव में गोचर कर रहे हैं, गुरु हमारे राशि पर गोचर कर रहे हैं, फिर भी हमारे जीवन में कोई भी बदलाव देखने को क्यों नहीं मिल रहा, क्या कारण है? कब से हमारे अच्छे दिन आएंगे, कब हमारा जीवन परिवर्तन होगा और हमें लाभ मिलेगा, इसी पर आज हम चर्चा करेंगे। तो आइए जानते हैं। सबसे पहले यह जानिए कि यह फलादेश चंद्र राशि पर आधारित है, नाम राशि के आधार पर भी जान सकते हो और लग्न राशि के आधार पर भी जान सकते हो। मेष राशि के हिसाब से यदि हम बात करें तो शनि 17 जनवरी 2023 से लाभ भाव में गोचर कर रहे हैं और लाभ भाव में शनि का गोचर सबसे अच्छा माना जाता है, क्योंकि शनि लाभ भाव में अपनी ही राशि कुंभ राशि में गोचर कर रहे हैं और कुंभ राशि शनि की प्रिय राशि है और शनि यहां पर सबसे अच्छे फल देने का काम करते हैं। गोचर के हिसाब से तीसरे भाव में, छठे भाव में और एकादश भाव में, इन तीनों भाव में सबसे अच्छे फल देने का काम शनि करते हैं और ये एक ऐसा भाव है कि यहां पर सभी ग्रह अच्छे फल देने का काम करते हैं। और फिर तो यहां पर शनि पूर्ण रूप से बलवान भी है, तो क्यों अच्छे फल देखने को नहीं मिल रहे हैं, इसी पर आज हम चर्चा करेंगे। शनि यहां पर 17 जनवरी 2023 को आए थे। 2.5 वर्ष के बाद शनि का राशि परिवर्तन होता है। शनि एक मंद ग्रह है, धीरे धीरे फल देने का काम करते हैं। अब 17 जनवरी के बाद जैसे ही स्टेबल ही होने वाले थे तो 3 फरवरी से 15 मार्च तक शनि अस्त हो गए। जब भी कोई ग्रह अस्त हो जाता है तो वह पूर्ण रूप से अपने फल नहीं दे पाता है, फल देने में वो निष्फल होता है, किसी भी प्रकार का शुभ परिणाम वो नहीं दे पाता है, अशुभ परिणाम जरूर देता है। अब शनि जहां पर बैठते हैं वहां पर फलों में वृद्धि करने का काम करते हैं, अच्छे फल देने का काम करते हैं। अब लाभ भाव में बैठे तो स्वाभाविक है कि लाभ देना चाहिए, आय भाव में बैठे तो आय के स्रोत पैदा करना चाहिए, मन की इच्छा के भाव में बैठे तो मन की इच्छा की पूर्ति होनी चाहिए, लेकिन अभी तक किसी भी प्रकार की कोई इच्छा की पूर्ति नहीं हुई, कोई लाभ नहीं हुआ, क्या कारण है? कारण ये है कि 3 फरवरी से 15 मार्च तक तो ये अस्त रहे, किसी प्रकार का कोई फल नहीं दे पाए, लेकिन ये जहां पर देख रहे थे वहां पर ये बुरे परिणाम देने का काम जरूर कर रहे थे। जैसे कि आपकी राशि पर शनि की तीसरी दृष्टि पड़ रही थी और यहां पर शनि की दृष्टि होने से कहीं ना कहीं स्वास्थ्य पर समस्याएं देने का काम कर रहे थे, आलस्य बना करके चल रहे थे, काम करने में मन नहीं लग रहा था, मानसिक टेंशन दे रहे थे, कार्य को विलंब कर रहे थे, जो 2 दिन का काम है महीनों लग जा रहे थे। कहीं पर यदि आपने इंटरव्यू देने गए कोई रिजल्ट ही नहीं आया, नौकरी के लिए आपने खूब मेहनत किया कोई रिजल्ट ही नहीं मिला, व्यापार में भी उतार चढ़ाव की स्थिति बना रहे थे, कोई भी काम कर रहे थे सफलता आपको नहीं मिल रही थी, क्योंकि राशि पर शनि की तीसरी दृष्टि पड़ रही थी और कहीं ना कहीं आपको बेचैनी भी आ रही थी, पैरों में दर्द भी था, मानसिक टेंशन भी था, छोटी छोटी बातों में चिंताएं भी थी, टेंशन भी था और कहीं ना कहीं गुस्सा भी आपको आ रहा था। तो ये समस्याएं शनि जो है आपको दे रहे थे और ये समस्याएं 15 मार्च तक जो है बनी थी। शनि की जो 7वीं दृष्टि थी वो आपके 5म भाव में पड़ रही थी और 5म भाव होता है शिक्षा का, संतान का, प्रेम विवाह का, तो शिक्षा में भी बाधा डालने का काम कर रहे थे, मन नहीं लग रहा था पढ़ाई लिखाई में, संतान को लेकर के भी चिंता बनी हुई थी और प्रेम विवाह में भी कहीं ना कहीं मन मुटाव की स्थिति बनाने का काम कर रहे थे और पेट से जुड़ी हुई कुछ समस्याएं भी देने का काम कर रहे थे, फाइनेंशियल स्थिति में उतार चढ़ाव की स्थिति भी बनी थी, कहीं ना कहीं मानसिक टेंशन यहां पर आप पर बना था। 10म दृष्टि की यदि बात करें तो 10म दृष्टि शनि की जो पड़ रही थी वो आपके 8म भाव में पड़ रही थी। 8म भाव में यहां पर व्याधियों को, परेशानियों को पैदा करने का काम कर रहे थे, आपके कार्यों को रुकावट पैदा करने का काम कर रहे थे, बनते बनते काम बिगाड़ने का काम कर रहे थे,
ससुराल पक्ष से मनमुटाव की स्थिति बनाने का काम कर रहे थे। तो कहीं ना कहीं इन भावों में शनि जो है रुकावट पैदा करने का काम कर रहे थे। वही उसके बाद जो है 31 मार्च से 27 अप्रैल तक गुरु अस्त हो गए, गुरु जो है यहां पर निष्फल हो गए, किसी प्रकार के फल नहीं दे रहे थे। अब गुरु का गोचर आपकी राशि पर हो रहा है। अब यहां पर यदि हम गुरु की बात करें तो गुरु जो है किसी भी प्रकार के कोई फल देने का काम नहीं कर रहे थे, और यहां पर यदि देखें तो कहीं ना कहीं मन मुटाव की स्थिति बनाने का काम कर रहे थे। कामकाज में आपका मन नहीं लग रहा था, और इनकी दृष्टि जो है पंचम भाव में पंचम दृष्टि पड़ रही थी। शिक्षा में भी व्यवधान, संतान में भी व्यवधान, प्रेम विवाह में भी कहीं ना कहीं परेशानी, और तो और इनकी जो सप्तम दृष्टि है विवाह भाव में पड़ रही थी, तो विवाह नहीं होने दिया। इस समय पर 31 मार्च से लेकर के 27 अप्रैल तक विवाह नहीं होने दिया, क्योंकि जब भी गुरु अस्त होते हैं तो विवाह नहीं होता है, विवाह जुड़ने नहीं दिया। वैवाहिक जीवन में समस्या पैदा करके रखे थे, और ये भाव आपके व्यापार का है, बिजनेस का है, तो व्यापार बिजनेस में भी उतार चढ़ाव की स्थिति बनाने का काम कर रहे थे। नवम दृष्टि भाग्य भाव में पड़ रही थी, तो भाग्य में भी रुकावट पैदा करने का काम कर रहे थे। भाग्य आपका साथ नहीं दे रहा था, कोई भी काम करने जाते थे काम बनता ही नहीं था, तो परेशानियां पैदा करने का काम कर रहे थे। इसके बाद बुध जो है 23 अप्रैल से 15 मई तक ये भी अस्त हो गए। अब 15 मई तक बुध अस्त हो गए तो बुध भी परेशानियां पैदा कर रहे थे, क्योंकि बुध बिजनेस के मालिक है, व्यापार के मालिक है, अकाउंट के मालिक है, धन के मालिक है, वाणी के मालिक है, बुद्धि के मालिक है। तो कहीं ना कहीं बुध भी जो है आपको 15 मई तक किसी भी प्रकार के फल देने का काम नहीं कर रहे थे, परेशानी ही परेशानी देने का काम कर रहे थे। उसके बाद सूर्य 14 अप्रैल से 15 मई तक सूर्य भी अस्त रहे। अब सूर्य जो है अस्त तो नहीं होते हैं, लेकिन ग्रहण रहा, क्योंकि सूर्य जो है राहु के साथ जो है किसी भी प्रकार के फल नहीं देते, क्योंकि सूर्य ग्रहण हो गया था, अपने प्रभाव को जो है वो दे नहीं पा रहे थे। तो ये भी स्थिति यहां पर 15 मई तक बनी रही। तो ये समझ जाइए जनवरी से लेकर के 15 मई तक कोई ना कोई ग्रह जो है परेशान आपको कर रहा था। अब 15 मई के बाद जो है देखा जाए तो 10 मई से मंगल भी नीच राशि में चले गए, कर्क राशि में गोचर कर रहे थे, चौथे भाव में। और चौथा भाव जो होता है ये भूमि का होता है, प्रॉपर्टी का होता है, मकान का होता है, वाहन का होता है, तो कहीं ना कहीं यहां पर भी विवाद में स्थिति बना करके चल रहे थे। और ये 1 जुलाई तक रहेंगे, मंगल नीच राशि में गोचर करेंगे। अब मंगल मेष राशि के स्वामी है, और जब राशि का ही स्वामी नीच राशि में गोचर करे, बुरी स्थिति में रहे, तो वो कैसे फल दे सकता है। तो यही कारण है कि मंगल स्वास्थ्य में भी परेशानी दे रहा था, कॉन्फिडेंस भी कमजोर करने का काम, गुस्सा जो है ज्यादा बढ़ाने का काम, अहंकार को बढ़ाने का काम कर रहा था, और सुख को कहीं ना कहीं जो है छीनने का काम कर रहा था, भूमि भवन प्रॉपर्टी से जुड़े हुए कामों में बाधा डाल रहा था, नौकरी में, व्यापार में, व्यवसाय में, क्योंकि मंगल की दृष्टि आपके कैरियर पर पड़ रही थी और ये जुलाई तक पड़ने वाली है। तो कहीं ना कहीं कैरियर में भी जो है कहीं ना कहीं मन मुटाव की स्थिति बनना, ग्रोथ ना मिलना, परेशानियां पैदा करना, ये काम जो है मंगल जो है 1 जुलाई तक करने वाले हैं। और ये विशेष रूप से मंगल आपके राशि के स्वामी है, इस कारण से कोई ग्रह कितना बढ़िया हो जाए, जब राशि का स्वामी अच्छा ना हो तो किसी प्रकार के शुभ परिणाम देखने को नहीं मिलते। मंगल अष्टम भाव के भी मालिक है, तो कहीं ना कहीं व्याधियां, परेशानियां, चोट चपेट लगने की संभावनाएं, ससुराल पक्ष से मनमुटाव की स्थिति, बनते बनते काम को बिगाड़ने का काम, ये सारी स्थितियां जो है बन रही थी और 1 जुलाई तक रहेगी। लेकिन 1 जुलाई के बाद स्थिति आपकी बहुत ही क्लियर होने वाली है, क्योंकि गुरु के साथ राहु जो चांडाल योग में है ये भी कहीं ना कहीं परेशानी ही डाल रहा था, मनमुटाव की स्थिति, कंफ्यूजन जैसी स्थिति बना रहा था, क्या करें और क्या ना करें की स्थिति थी। लेकिन 1 जुलाई के बाद सारे ग्रह अच्छे होने वाले हैं मेष राशि वालों के लिए, क्योंकि शनि भी जो है 17 जून से ये जो है वक्री हो जाएंगे, और जब भी शनि वक्री होते हैं तो 3 गुना ज्यादा शुभ फल देने का काम करते हैं। यदि शनि शुभ है तो 3 गुना ज्यादा शुभ परिणाम देंगे,
और अशुभ है तो तीन गुना अशुभ परिणाम भी देने का काम करते हैं। तो आपकी कुंडली में शनि लाभ भाव में गोचर कर रहे हैं, स्वयं की राशि में ये शुभ है और तीन गुना अच्छे फल देने का काम करेंगे। लेकिन शनि जो है अब अच्छे फल देने का काम करेंगे, क्योंकि शनि पूर्ण रूप से अब बलवान हो गए हैं, 13 डिग्री में ये गोचर करने वाले हैं। अब ये 12 डिग्री के ऊपर जैसे ही जाते हैं तो पूर्ण रूप से फल देने का काम करते हैं। तो शनि जो है वक्री होंगे तो आपके कैरियर पर बदलाव देने का काम करेंगे, क्योंकि ये पिछली राशि पर पिछले भाव के भी फल देने का काम करते हैं जब शनि वक्री होते हैं। तो आपका कैरियर जो है वो बढ़िया हो जाएगा, कैरियर में बदलाव देखने को मिलेंगे, नौकरी में प्रमोशन या नई नौकरी आप ज्वाइन कर सकते हो। 1 जुलाई के बाद आपका गोल्डन टाइम प्रारंभ हो जाएगा, बदलाव जरूर देखने को यहाँ पर मेष राशि वालों पर मिलने वाले। लाभ के मालिक हैं, लाभ देने का काम करेंगे, आय में वृद्धि करने का काम करेंगे। तो शनि आपको जो है जुलाई के महीने से बहुत अच्छे रिजल्ट देने का काम करेंगे, क्योंकि ये पूर्ण रूप से बलवान भी है और वक्री है। और वक्री में क्या है कि फल जो है वो थोड़ी स्पीड से मिलते हैं, जल्दी मिलते हैं, यहाँ पर विलंब नहीं होता है। इस कारण से शनि आपके ऊपर मेहरबान होने वाले हैं, तो कैरियर भी आपका बढ़िया रहेगा, लाभ देने का काम, आय में वृद्धि करने का भी काम जो है शनि करने वाले हैं। वही गुरु के साथ राहु का जो चांडाल योग बन रहा था ये शुभ नहीं माना जाता है, लेकिन यहाँ पर गुरु स्थान बल यहाँ पर गुरु को मिल रहा था, यहाँ पर गुरु अच्छे फल देने का काम कर रहे थे, राहु के कारण अच्छे फल नहीं दे रहे थे। लेकिन अब गुरु भी जो है पूर्ण रूप से मजबूत हो जाएंगे, 12 डिग्री के ऊपर चले जाएंगे जुलाई के महीने में। 1 जुलाई से यदि हम पकड़े तो 12 डिग्री के ऊपर कोई भी ग्रह अच्छे फल देता है, 100% जो है वो फल देने का काम करता है। यदि शुभ ग्रह है, योग कारक ग्रह है, तो 100% जो है अच्छे फल देने का काम करेगा। अशुभ ग्रह है तो फिर वो अशुभ फल देने का भी काम करेगा। तो गुरु जो है आपकी कुंडली में शुभ है, योग कारक है, भाग्य के मालिक है, इसलिए जबरदस्त लाभ देने का काम करेंगे। और लगन भाव में तो कारक होते हैं, और गुरु धन के कारक है, विवाह के कारक है, संतान के कारक है, शिक्षा के कारक है, ज्ञान के कारक है, सारे डिपार्टमेंट तो गुरु के ही पास है। यदि गुरु यदि आपकी कुंडली में अच्छे नहीं है तो फिर सुख आपको नहीं मिलेगा, हर चीज में आपको परेशानी देखने को मिलेगी, इसलिए गुरु का शुभ होना बहुत जरूरी है। तो गुरु जो है लगभग जो है जुलाई के महीने में 12 डिग्री के ऊपर 15 डिग्री लगभग 15 डिग्री में ये रहेंगे, और राहु की डिग्री कम हो जाएगी, राहु लगभग 6 डिग्री में आ जाएंगे जुलाई के महीने में, 6 डिग्री के ये नीचे जाएंगे तो ये कमजोर होते जाएंगे और गुरु बलवान होते जाएंगे। तो गुरु जब बलवान हो जाएंगे तो राशि आपकी मजबूत हो जाएगी। और मंगल भी जुलाई के महीने में पंचम भाव में गोचर करेंगे अपने मित्र के घर में त्रिकोण भाव में, तो जबरदस्त परिवर्तन देखने को मिलेगा, क्योंकि मंगल आपके राशि के स्वामी है और वो केंद्र त्रिकोण राजयोग बना करके बैठे हैं, और यहाँ पर ये रहने वाले हैं 1.5 महीना, उसके बाद भी 6ठे भाव में भी मंगल अच्छे परिणाम देने का काम करते हैं। तो ये समझ जाइए कि जुलाई के बाद जो है राशि का स्वामी मंगल जबरदस्त लाभ देने का काम करेगा, गुरु जबरदस्त लाभ देने का काम करेगा, और शनि भी जबरदस्त लाभ देने का काम करेगा, क्योंकि 4 ही ऐसे ग्रह हैं जिनका प्रभाव हमारे जीवन पर लंबे समय तक बना रहता है और सबसे ज्यादा प्रभाव होता है, गुरु का, राहु का, शनि का और केतु का। ये 4 ग्रह जो है हमारे जीवन पर सबसे ज्यादा प्रभाव डालते हैं। तो कहीं ना कहीं गुरु का जो प्रभाव होता है ये सबसे शुभ प्रभाव माना जाता है। ये यदि शुभ है तो समझ जाइए कि आपको पूर्ण रूप से हर क्षेत्र में सुख मिलने वाला है, क्योंकि धन के कारक, विवाह के कारक, संतान के कारक, शिक्षा के कारक, सबके कारक तो गुरु है जो मेन चीज है। तो गुरु का शुभ होना बहुत जरूरी है, और जुलाई के महीने में जो है राजयोग का यहाँ पर फल मिलेगा, गज लक्ष्मी राजयोग बनता है, तो ये स्थिति यहाँ पर जबरदस्त हो जाएगी। मंगल भी आपको जो है बहुत अच्छे परिणाम देने का काम करेगा, स्वास्थ्य बहुत अच्छा रहेगा, कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा रहेगा, शिक्षा, संतान, प्रेम, विवाह, वैवाहिक जीवन, विवाह का योग बनेगा, वैवाहिक जीवन बढ़िया रहेगा, भाग्य का साथ मिलेगा, कैरियर में विशेष रूप से परिवर्तन देखने को मिलेंगे। तो ये समय आपके लिए बहुत ही बेहतरीन है, और सभी ग्रह कहीं ना कहीं जो है सूर्य जो कि आपके 3रे भाव में जुलाई के महीने में गोचर करेंगे जबरदस्त लाभ देने का काम करेंगे। बुध आपके 3रे भाव में अपनी स्वयं की राशि में बुध आदित्य राजयोग बना करके गोचर करेंगे,
जबरदस्त लाभ देने का काम करेंगे। शुक्र जो है चतुर्थ भाव में सुखों में वृद्धि करने का काम करते हैं, भौतिक सुखों में वृद्धि करने का काम करते हैं, नौकरी व्यापार बिजनेस सभी क्षेत्रों में लाभ पहुंचाने का काम करते हैं। केतु जो है सप्तम भाव में व्यापार में जबरदस्त लाभ देने का काम करते हैं। तो कहीं ना कहीं जो है स्थिति यहां पर जुलाई के बाद क्लियर हो रही है, और जितनी भी परेशानियां थी वो जुलाई तक ही थी, उसके बाद जो है अब आपके अच्छे दिन प्रारंभ हो रहे हैं। आप कोई भी काम में यदि बदलाव करना चाहते हैं, नौकरी में बदलाव करना चाहते हैं, व्यापार में बदलाव करना चाहते हैं, कोई नया काम करना चाहते हैं, तो जुलाई के महीने से आप काम प्रारंभ कर सकते हो। सफलताएं जरूर देखने को मिलेगी। आपकी गोचर कुंडली में ग्रहों की स्थिति बहुत ही शानदार बनने वाली है, आप लाभ ले सकते हो। तो दर्शकों आज बस इतना ही, धन्यवाद। यदि आप अपनी कुंडली का विश्लेषण घर बैठे करवाना चाहते हैं तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर से संपर्क करें। साधारण फीस जमा करके आप अपने कुंडली का विश्लेषण फोन के माध्यम से घर बैठे ही करवा सकते हैं और जान सकते हैं अपने भूत भविष्य और वर्तमान के बारे में। धन्यवाद। व्हाट्सएप नंबर 9479893।